रहीम वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स नरेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेकंड पार्ट में आपका खैर मकदम करता हूँ खुश आमदीद वेलकम सुस्वागतम डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच आई टीच इंग्लिश

और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया और बाद में स्पीकर सब्जेक्ट रिपोर्टर का इस्तेमाल किया गया लेकिन ये सेंटेंस रिपोर्टर से सब्जेक्ट से स्पीकर से शुरू किया गया पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किया गया और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बाद में लेकिन ये सेंटेंस फिर थर्ड सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच से शुरू किया गया और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बाद में इस्तेमाल किया गया यहां पे सेज इस्तेमाल किया गया रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया पहले रिपोर्टेड स्पीच के बाद लेकिन यहां पर स्पीकर का इस्तेमाल किया गया रिपोर्टर का इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया और बाद में रिपोर्टिंग वर्क तीनों तरीकों से डिरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनिए समझने की कोशिश कीजिए आई टीच इंग्लिश सेज द टीचर द टीचर सेज आई टीच इंग्लिश आई टीच इंग्लिश द टीचर से डियर स्टूडेंट्स इससे पहले हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस किस किस्म का है तो ये स्टेटमेंट है अफर्मेटिव सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है स्टेटमेंट है और एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली इन डिरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डिरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रिपोर्टर से भी शुरू किया जा सकता है रिपोर्टर मीस स्पीकर सब्जेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच से भी शुरू किया जा सकता है लेकिन इनडिरेक्ट स्पीच का सेंटेंस स्पीकर से रिपोर्टर से सब्जेक्ट से ही शुरू किया जाता है ट्राई टू तो का जिसके माने एक ही है स्टेटमेंट एक ही है इनडायरेक्ट स्पीच इस में इसे तब्दील करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टर से हम स्पीकर सब्जेक्ट से शुरू करेंगे चाहे सब्जेक्ट यहाँ पर हो यहाँ पर हो यह या यहां पर हो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सेंटेंस इनड इनडायरेक्ट स्पीच से, का सेंटेंस स्पीकर से रिपोर्टर से सब्जेक्ट से ही शुरू करना पड़ता है तो द टीचर सेज द टीचर सेज अब ये स्टेटमेंट है तो कंजंक्शन के तौर पर दैट का इस्तेमाल किया जाता है दैट यानी कि काफी जर के द टीचर सेज टीचर कहता है द टीचर सेज टीचर कहते हैं दैट के ये आय जो है बच्चों ये टीचर ने कहा और ये हम ये बात को टीचर की बात को हम दूसरे से कह रहे हैं हम टीचर की बात को दूसरे से कह रहे हैं ये टीचर ने कहा जैसे आई टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं सेज द टीचर टीचर कहते हैं द टीचर सेज टीचर कहते हैं क्या कहते हैं आई टीच इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाता हूँ द टीचर से टीचर कहते हैं अब यहाँ पर हम यही बात को डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली हम टीचर की बात को हम दूसरे से दूसरे को बता रहे हैं टीचर की बात को हम दूसरे को बता रहे हैं टीचर की बात हम दूसरे से कह रहे हैं तो हमें इस तरह कहना पड़ेगा द टीचर से टीचर कहते हैं दैट के पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को कंजंक्शन uh, दोनों को मिलाना पड़ता है तो हम स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें दैट का इस्तेमाल करना होगा दैट के अब ये टीचर ने कहा आय टीच इंग्लिश तो हमें आय को ही में बदलना पड़ेगा द टीचर का प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ही और आय के साथ टीच का इस्तेमाल होता है लेकिन ही के साथ टीचेस का इस्तेमाल होता है ही टीचेज इंग्लिश तो इनडिरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस तरह बन जाएगा द टीचर से टीचर कहते हैं दैट के ही टीचेज इंग्लिश वो इंग्लिश पढ़ाते हैं इस तरह है इन स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह बदला जाएगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच आई टीच इंग्लिश सेज द टीचर द टीचर सेज आई टीच इंग्लिश द टीचर आई टीच इंग्लिश आई टीच इंग्लिश द टीचर सेज द टीचर सेज दैट ही टीच इंग्लिश राजू सेड टू हिम आई स्टडी हार्ड राजू सेड टू हिम आई स्टडी हार्ड राजू सेड टू हिम राजू ने उससे कहा राजू ने उससे कहा आई स्टडी हार्ड मैं सख्त मेहनत करता हूं राजू ने उससे कहा मैं सख्त मेहनत करता हूँ अब इसी बात को हमें इसी बात को हमें राजू की बात हमें दूसरे को बताना है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है राजू सेड टू हिम राजू ने उसे कहा आई स्टडी हार्ड मैं सख्त मेहनत करता हूँ डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाना है डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है राजू सेट टू हिम राजू ने उससे कहा आई स्टडी हार्ड मैं सख्त मेहनत करता हूँ अब राजू की इस बात को राजू की इस बात को हमें दूसरे को बताना है यानी इंडरेक्ट स्पीच बनाना है राजू की इस बात का हमें इंडेरेक्ट स्पीच बनाना है तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डायग्राम के जरिए डियर स्टूडेंट्स हमें समझना भी हमें समझाना भी और समझना भी दोनों बातें आसान है तो देखिए राजू सेड टू हिम राजू ने उससे कहा क्या कहा आई स्टडी हार्ड मैं सख्त मेहनत करता हूँ राजू की बात हमें दूसरे को बताना है राजू की बात हमें दूसरे से कहना है यानी इंडरेक्ट स्पीच हमें बनाना है देखिए तो राजू सेड टू हिम अब ये डायरेक्ट स्पीच से जब हम इंडरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है उसे समझना बहुत जरूरी होता है उसके मुताबिक हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके मुताबिक हमें रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली करना पड़ती है देखिए राजू सेट टू हिम राजू ने उससे कहा सेट टू अब ये स्टेटमेंट है असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेट टू की जगह पर सेट टू की जगह पर टोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट है असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेट टू की जगह पर इंडरेक्ट स्पीच बनाते वक्त टोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है सेट टू की जगह पे हमने टोल्ड का इस्तेमाल किया और हिम का हिम इस्तेमाल किया जाएगा ये लिसनर सेम इस्तेमाल किया जाएगा राजू सेड टू हिम राजू टोल्ड हिम इस तरह ये तब्दील किया जाएगा इस तरह यह सेंटेंस बनेगा उसके बाद में ये स्टेटमेंट है असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाएगा दैट यानी के काफे जेर के और ये आय जो है आय का ताल्लुक राजू से है ये राजू ने कहा आई स्टडी हार्ड हमें बताना पड़ेगा हमें राजू की जगह उसका प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये बात हम बता रहे हैं तीसरे को इसलिए आई विल बी कन्वर्टेड इंटू ही आय का ताल्लुक राजू से है और राजू का प्रोनाउन इस्तेमाल करना करना होगा ही और ये रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी इट विल भी कन्वर्टेड इन टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टी से स्टडीड तो इस तरह यह डिरेक्ट स्पीच से इनडिरेक्ट स्पीच ये सेंटेंस बन जाएगा देखिए राजू शैड टू हीम आई स्टडी हार्ड राजू टोल्ड हिम राजू ने उसे कहा उसे बताया क्या बताया दैट के ही स्टडीड हार्ड उसने सख्त मेहनत की राजू सेट राजू सेट टू हिम राजू ने उससे कहा क्या कहा आई स्टडी हार्ड मैं सख्त मेहनत करता हूँ यहाँ इंडक्ट स्पीच इस तरह बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस राजू टोल्ड हिम राजू ने उससे कहा राजू ने उससे बताया ही स्टडीड हार्ड उसने सख्त मेहनत की नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए राजू सेड टू रामू राजू सेड टू रामू राजू ने रामू से कहा क्या कहा देखिए आई सेव ब्रदर मैं आपके भाई को बचाता हूँ मैं आपके भाई की हिफाजत करता हूं अब ये देखिए इंड स्पीच का सेंटेंस कैसे बनेगा ये ये जो पार्ट है ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है तो देखिए राजू से सेंटेंस शुरू किया जाएगा राजू राजू सेट टू ये स्टेटमेंट है असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेट टू की जगह पर टोल का इस्तेमाल किया जाएगा राजू सेट टू राजू टोल। अब किससे कहा ये लिसनर है रामो तो रामो का रामो इस्तेमाल किया जाएगा राजू सेट टू रामो राजू ने रामू से कहा राजू टोल्ड रामू राजू ने रामू को बताया राजू ने रामू से कहा क्या कहा देखिए रामो को राजू ने क्या बताया देखिए दैट के कंजंक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली कंजंक्शन का कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल कब किया जाता स्टेट अगर स्टेटमेंट हो रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो उस वक्त भी दोनों सेंटेंस को पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए बतौर कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है दैट यानी के काफी जेर के राजू टोल्ड रामू दैट ये राजू ने कहा कि आई मैं अब हम राजू की बात को तीसरे को बता रहे हैं और किसी को बता रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि राजू टोल्ड रामू राजू ने रामू को बताया या राजू ने रामू से कहा क्या कहा दैट के ही ये डियर स्टूडेंट्स रि, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है सेव से सेव और ये ये आय जो है आय का ताल्लुक राजू से है इसलिए राजू ने कहा और ये ही हम बोल रहे हैं उसे और रामू ये रामू का भाई है रामू का भाई है इसलिए रामू की जगह हमें यूर की जगह हिज इस्तेमाल करना होगा तो देखिए राजू सेड टू रामू राजू ने रामू से कहा आय सेव ब्रदर मैं आपके भाई की हिफाजत करता हूँ मैं आपके भाई को बचाता हूँ राजू टोल्ड रामू राजू ने रामू से कहा राजू ने रामू को बताया दैट के ही सेवड उसने बचाया है उसने हिफाजत की है उसने तहफुज किया है ब्रोदर उसके भाई का उसके भाई का तहफुज किया है किसके भाई का रामू के भाई का ये बात जो है तो ये बात जो है तो ये राजू ने कहा और ये हम राजू की बात को हम दूसरे को बता रहे हैं इस तरीके से ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा ये डायग्राम मैं समझता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा और इसी वजह से आप जो है तो मैं समझता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स लेसन वंस अगेन राजू सेट टू हिम राजू सेट टू हिम आई स्टडी हार्ड राजू टोल्ड हिम दैट ही स्टडीड हार्ड राजू सेट टू रामू आई सेव यूर ब्रोदर राजू टोल्ड रामू दैट ही सेव्ड हिज ब्रोदर He says I am a teacher. He says I am a teacher. He says वो कहता है क्या कहता है देखिए I am a teacher मैं टीचर हूँ He कहता है कि मैं टीचर हूँ अब इसी बात को ही की बात ही की बात हमें दूसरे को बताना हो तो हमें इस तरह बताना होगा ही की बात हमें दूसरे को बताना हो तो हमें इस तरह बताना होगा ही से डायरेक्ट स्पीच से पहले रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमें दैट का इस्तेमाल करना होगा ही सेज वो कहता है दैट के ये ही ने कहा आए अब हम इसको ही की बात को हम दूसरे को बता रहे हैं तो इसलिए हमें आए की जगह पर ही का इस्तेमाल करना होगा जैसे ही से वो कहता है दैट के वो कहता है के He is a teacher. वो teacher है। मतलब ये teacher है। He says I am a teacher. Indirect speech इस तरह बनेगा। He says that he is a teacher. Dear students, अगर यहाँ पर she होता तो यहाँ इस आय को हम शी में कन्वर्ट करते अगर यहाँ पर राजा होता कोई मेल होता कोई लड़का होता राजा होता राजू होता तो भी हमें यहाँ पर आय को ही में कन्वर्ट करना पड़ता अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता रानी समीना हीना तो ये आय को हमें शी में कन्वर्ट करना पड़ता डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ही सेज आई एम अ टीचर इन डायरेक्ट ही सेज दैट ही इज अ टीचर नेक्स्ट देखिए ही सेज टू मी आई एम यूर आई एम यूर टीचर ही से मुझसे वो मुझसे कहता है आई एम यूर टीचर मैं आपका, मैं आपका उस्ताद हूँ मैं आपका टीचर हू देखिये इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बदलेंगे लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डायग्राम के जरिए डियर स्टूडेंट समझना भी और समझाना भी दोनों बातें बहुत आसान है लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ही मी। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ये पार्ट जो है ये पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है ये इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ही सेटेंस शुरू करेंगे अब यहां पर डियर स्टूडेंट यहां पर लिसनर है लिसनर लिसनर है ऑब्जेक्ट है तो सेज टू की जगह हमको टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां पर लिसनर नहीं है इसलिए हमने सेज का सेज इस्तेमाल किए यहां पर लिसनर है यहां पर लिसनर है यहां ऑब्जेक्ट है, है। इसलिए हमें इसलिए हमें टेल्स का इस्तेमाल करना होगा और सेज टू को हटा देना पड़ेगा ही सेज ही टेल्स मी डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है टिव सेंटेंस है इसलिए दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा बतौर कंजंक्शन ही टेल्स मी दैट ही का ताल्लुक आई से है इसलिए आई विल बी कन्वर्टेड इंटू ही आई विल बी कन्वर्टेड इंटू ही और ये आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है लेकिन ही के साथ इज का ही इज मी का ताल्लुक यूर से है तो इसलिए यहां पर जे तो यहाँ पर माय का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर मी की वजह से माय का इस्तेमाल करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हिम होता अगर यहाँ पर हिम होता तो हमें यहाँ पर हिज का इस्तेमाल करना पड़ता डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली अगर यहाँ पर हिम होता तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हिम होता तो यहाँ पर हिज का इस्तेमाल करना होता अगर यहाँ पर हिम होता तो हमें हिज का इस्तेमाल करना पड़ता और अगर यहाँ पर हर होता तो यहाँ पर हर का इस्तेमाल करना होता करना पड़ता और अगर यहाँ पर किसी लड़के का नाम होता राजा राजू राज तो हमें यहाँ पर हिज का इस्तेमाल करना पड़ता और अगर यहां पर किसी लड़की का नाम होता रानी सानिया हिना तो यहां पर फिर काय का इस्तेमाल करना पड़ता डियर स्टूडेंट्स हर का इस्तेमाल करना पड़ता ये तब्दीली जहन में रखिए तो इंडरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस तरह बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज माई टीचर इस तरह डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं आसानी के साथ इस तरह डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी के साथ बदल सकते हैं सिर्फ रूल जहन में रखने की कोशिश कीजिए लिसन वंस अगेन ही सेज आई एम अ टीचर ही सेज आई एम अ टीचर ही सेज दैट ही इज अ टीचर ही सेज टू मी आई एम योर टीचर He says to me, "I am your teacher." He tells me that he is my teacher. He tells me that he is my teacher. He says to me. He says to me. He says वो कहता है to me मुझे वो मुझसे कहता है You are my student. तुम मेरे student हो आप मेरे student हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच इस में बदलना है देखिए किस तरह बदल सकते हैं ही सेज टू मी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है तो ऑब्जेक्ट है लिसनर है ऑब्जेक्ट है लिस्टनर है मी इसलिए को हटाकर टेल्स इस्तेमाल करेंगे सेज टू को हटाकर टेल्स का इस्तेमाल करेंगे ही टेल्स मी स्टेटमेंट से पहले कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे दैट के मी की वजह से मी की वजह से यहाँ पर जो है तो यू की तब्दीली आए होंगी मी की वजह से यू की तब्दीली आए होंगी डियर स्टूडेंट आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली मी की वजह से यू की तब्दीली आए होंगी अगर यहाँ पर हिम होता तो यू की तब्दीली ही होता अगर यहाँ पर अज होता तो यू की तब्दीली वी में होती अगर यहाँ पर हर होता तो यू की तब्दीली शी में होती अगर यहाँ पर होता तो यू की तब्दीली दे में होती अगर यहाँ पर राज होता तो यू की तब्दीली ही में होती अगर यहाँ पर रानी या कोई लड़की का नाम होता तो यू की तब्दीली शी में होती इस तरह ये तब्दीली मी की वजह से यू की तब्दीली आए और यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता आई के साथ एम उसके बाद में देखिए उसके बाद में अगर यहाँ पर यहाँ पर ही अगर यहाँ पर शी होता अगर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली अगर यहाँ पर शी होता तो ये माए की तब्दीली जैसे हिज हुई यहाँ पर ही की वजह से माई की तब्दीली हिज अगर यहाँ पर शी होता शी का लफ्ज होता तो माए की तब्दीली हर में होती अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता रानी सानिया मिर्जा हिना तो माए की तब्दीली हर में होती अगर यहाँ पर कोई लड़के का नाम होता राज, राजा राजू तो माई की तब्दीली हिज में ही होती इस तरीके से ये तब्दीली होती है मी की वजह से यू की तब्दीली आए और ही की वजह से यहाँ पर माई की तब्दीली हिज में होगी जैसे देखिए, ही सेज मी वो मुझसे कहता है, यू आर माई स्टूडेंट तुम तो मेरे स्टूडेंट हो अब ये बात हम ही की बात हम दूसरे को बता रहे हैं क्या बता किस तरह बता रहे हैं ही टेल्स मी वो मुझे कहता है वो मुझे बताता है दैट के आई एम हिज स्टूडेंट मैं मैं उसका स्टूडेंट हूं नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ही सेज यू आर माय स्टूडेंट He says you are my student. इस सेंटेंस का हमें इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है डायरेक्ट स्पीच का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश किया हूं आप भी समझने की कोशिश कीजिए ही सेज वो कहता है यू आर माई स्टूडेंट तो देखिए यहां पर जो है तो लिसनर नहीं है लिसनर नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फर्ज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है आप जो है तो अब यहां पर देखिए ही सेज यू आर माय स्टूडेंट तो यहां पर अगर आपने ही से टू मी अगर फर्ज किए तो यू विल बी कन्वर्टेड इन टू आई मी की वजह से और अगर आपने यहाँ पर जैसे ही अगर यहाँ पर ही टू ही मगर रहता ही, ही सेम अगर रहता तो, तो हिम की वजह से यू की तब्दीली हिम की वजह से ही की तब्दीली यू की तब्दीली ही में होती और अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ही सेज अगर आप तस्वर करते हैं ही सेज टू हर तो यू की तब्दीली यू की तब्दीली शी में होगी अगर आप तसुर करते हैं ही सेज टू हर तो यू की तब्दीली शी में होगी अगर आप कहते हैं कि ही से ही तो यू की तब्दीली दे होती, दे में होगी और अगर आप तसुर करते हैं ही से टू अज तो यू की तब्दीली वी में होगी अगर आप तसूर करते हैं ही सेज टू राज तो यू की तब्दीली ही में होगी अगर आप तस्वर करते हैं ही से टू रानी तो यू की तब्दीली शी में होगी इस तरीके से आप अगर अब यहाँ पर लिसनर नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कोई भी लिसनर इमेजिन करके आप लिख सकते हैं और आप चैलेंज के साथ में ये कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट एंड एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ही तो ही सेज इस तरह आप बना सकते हैं। ही सेज दैट यू की तब्दीली आय अब यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता और आई के साथ एम आई एम माई की तब्दीली हिज माए की तब्दीली हिज हिज स्टूडेंट अगर यहाँ पर शी होता तो माई की तब्दीली हर अगर यहाँ पर दे होता तो माई की तब्दीली देर अगर यहाँ पर कोई लड़के का नाम होता तो माए की तब्दीली हिज अगर कोई लड़की का नाम होता है तो माय की तब्दीली हर में होती है इस तरीके से मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे लिसन वन अंडरस्टैंड ही सेज टू मी यू आर माय स्टूडेंट ही सेज टू मी यू आर माय स्टूडेंट ही टेल्स मी दैट आई एम हिज स्टूडेंट

ट आपको देर हो गई है आप लेट हो गए हैं द टीचर सेट डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ग में शामिल होता है लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर है लेकिन वो पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में है तो इस तरह भी लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इस तरह भी इस तरह भी लिखा जाता है अब इस टी, टीचर की इस बात को हमें अगर किसी और को कहना हो तो हम इस तरह कह सकते हैं टीचर की इस बात को हमें अगर किसी और से कहना है तो हम इस तरह कह सकते हैं आइए देखिए द टीचर टोल्ड सेट की जगह लिसनर होने की वजह से सेट जगह टोल्ड का इस्तेमाल करना होगा द टीचर टोल्ड टीचर ने कहा टीचर ने कहा टीचर ने बताया टीचर ने कहा किससे कहा द बॉयज बॉयज से द बॉयज लड़कों से बच्चों से कंजशन डेट इस्तेमाल करना होगा दैट के दैट के टीचर ने बच्चों से कहा के बौईस की, बौईस का यू से है, यू का ताल्लुक बॉयस से है तो बॉयस प्लूरल है इसलिए इसलिए हमें यू को दे में कन्वर्ट करना होगा दे ये टीचर ने कहा तुम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वो

टीचर ने बच्चों से कहा कि आप को देर हो गई है हमें कहना होगा टीचर ने बच्चों से कहा कि उन्हें देर हो गई है वो, वो लेट हो गए हैं देखिए उसके बाद माय डैड वाज राइट ही सेड यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई माय डैड वाज राइट ही सेड यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई डियर स्टूडेंट्स ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और ये भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और सेंटर में है स्पीकर रिपोर्टर सब्जेक्ट सेंटर में और उसके बाद में उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब है इस तरह भी लिखा जाता है इस तरह अगर दो सेंटेंसेज अगर हों तो उसमें एड एंड के बाद में एडेट का इस्तेमाल किया जाता है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दोनों बातें कहने के लिए इसी बात को अब हम इसी बात को हम अब अपने सेंटेंस में कहने की कोशिश करते हैं यानी इन इनडायरेक्ट स्पीच में तो देखिए रिपो, रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर सब्जेक्ट रिपोर्टर कहीं भी हो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे उसे उससे ही सेंटेंस शुरू करना पड़ता है ही सेट ही सेट ही सेट दैट स्टेटमेंट है इसलिए दैट का इस्तेमाल करना होगा दैट के ही की वजह से माई विल बी कन्वर्टेड इंटू हीज ही होता है तो माई विल बी कन्वर्टेड इंटू हर ही सेट ही सेट दैट माई डेट हीज डेट वॉज राइट अब ये सिंपल पास टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम अब इससे पहले हमने हम देख चुके हैं कि सिंपल पास टेंस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस तो वाज राइट right की जगह हमें इस्तेमाल करना होगा वाज की वजह से हैड बीन राइट वाज राइट हैड बीन राइट और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करना होगा और एडेट शामिल करना होगा एडेड दैट के यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ही और विल बी विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड ये चेंजेस हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट वन में नेवर नो अनलेस यू विल बी कन्वर्टेड ही ही की वजह से ही और यू की ही की वजह से यू विल बी कन्वर्टेड इन टू ही और रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए ट्राई विल बी कन्वर्टेड इन टू ट्राईट इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगा लेसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचर सैड बॉय इज यू आर लेट द टीचर सैड बॉय इज यू आर लेट the teacher told the boys that they were late the teacher told the boys that they were late my dad was right he said you will never know unless you try my dad was right he said you will never know unless you try he said that his dad had been right and added that he would never know unless he tried he said that his dad had been right and added that he would never know unless he tried